अस्सलाम वालेकुम नासरीन, नासरीन मोहतरम। मरी में शदीद तूफ़ान के बायस गाड़ियां फंसीं और लोग मदद के इंतज़ार में बेआसरा अपनी गाड़ियों और शदीद बर्फबारी में सड़कों पर पड़े रहे। बर्फानी तूफान की वजह से रेस्क्यू का अमला भी ताखीर से पहुंचा। ज़्यादातर लोग सोए रहे जिससे हालात मजीद ख़राब हुए। लोग जागते रहते तो फिर मदद का कोई ना कोई ज़रिया बन सकता था। किसी वाक़े के दौरान एक और मकाम की वीडियो वायरल है जिसमें ऐसे ही वाक़े होता है। गांव वालों को जैसे ही इतला मिलती है वो फौरन पहुंच जाते हैं और अपने तौर पर ऑपरेशन का आगाज़ करते हैं। गाड़ियों में मौजूद लोगों को जगाते हैं और बर्फ़ में दबे लोगों को तलाश करना शुरू कर देते हैं। इसी के दौरान ही एक लड़की बर्फ़ में दबी मिलती है। लोगों ने काफ़ी मेहनत से जगह की खुदाई की और इस लड़की को ज़िंदा बर्फ़ के अंदर से निकाला और इसकी जान बचाई। अगर ये लोग इस सब इदारों पर छोड़ दें और आर्मी का इंतज़ार करते रहते तो सुबह तक लड़की का सर्दी की वजह से यहाँ से बचना नामुमकिन था। अगर इसी तरह मरी और इसके मलेका इलाकों के लोग वक्त पर जाते तो फंसे हुए लोगों की मदद हो सकती थी।